हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी हैबिट है यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, यहां पर हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस 49,500 अड़फट वाली भर्ती को लेकर के। दोस्तों, काफ़ी बड़ी यहां पर अपडेट निकल के आ रही है। जो सेकंड बैच के अभ्यर्थी हैं, जो सिविल अभ्यर्थी हैं, वो इस वीडियो का पूरा पूरा देखना, क्योंकि दोस्तों आप सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी सूचना इस वीडियो के अंदर। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जितने भी अभ्यर्थी हैं, जो 17,360 जो भी अभ्यर्थी हैं दोस्तों, वो यहाँ पर JTC का इंतज़ार कर रहे हैं। क्या हमारी JTC 22 अप्रैल से दोस्तों कराई जाएगी या फिर नहीं कराई जाएगी, इसको लेकर के सबसे बड़ा यानी अभ्यर्थियों में जो है वो कन्फ्यूज़न बना हुआ है। साथ में दोस्तों यहाँ पर JTC लिस्ट है वो अभी तक जो है वो नहीं आई है। आखिर कब तक जो है वो JTC लिस्ट आएगी? क्या दोस्तों ये भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ पाएगी या नहीं बढ़ पाएगी? जैसा कि नोटिस यहाँ पर जारी हो रहे हैं, और ये दोस्तों बहुत सारे नोटिस ऐसे भी मिल रहे हैं जिनके अंदर दोस्तों न्यूज़ अच्छी भी मिल रही है, और कुछ नोटिस ऐसे भी हैं जिनके अंदर न्यूज़ दोस्तों जो कि यहाँ पर अपडेट मिल रही है वो बिल्कुल दोस्तों फेक मिल रही है। तो आप वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना, क्योंकि दोस्तों मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना इस नोटिस के बारे में आपकी क्या राय है। और साथ में अगर चैनल पे नए हैं चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया यार भाई लोग लाइक ज़रूर कर दिया करो, क्योंकि दोस्तों हम जो भी अपडेट लाते हैं इन्फॉर्मेशन आपको 100% सत्य एवं सटीक जानकारी के साथ ही प्रोवाइड कराते हैं। फिर भी दोस्तों आपके अंदर ये लगता है कि हम न्यूज़ आपको सही नहीं दे रहे हैं। भाई, जितने भी अभ्यर्थी हमसे ऑलरेडी पहले से जुड़े हैं उन सभी को पता है कि यहाँ पर जो भी अपडेट मिलती है स्टडी अपडेट टाइम पर एकदम 100% सत्य एवं सटीक जानकारी साथ ही प्रोवाइड कराई जाती है। कोई भी मन में सवाल आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर दोस्तों, तो जरूरी सूचना मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता देता हूं। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं इस नोटिस के बारे में, जो कि दोस्तों काफ़ी ज़्यादा यहां पर ये वायरल हो रहा है इस टाइम, और इस नोटिस को लेकर के सभी अभ्यर्थी हैं वो ज़्यादा ही यहाँ पर परेशान हैं। तो आप दोस्तों इस नोटिस के बारे में आपको सारी जानकारी बताऊँगा, ये नोटिस है वो क्या है, इसकी सच्चाई, इसके बारे में मैं पूरी जानकारी आपको बता। तो दोस्तों आप सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो विषय है वो आप यहाँ पर देख लीजिए, पुलिस आरक्षी एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती अक्टूबर 2018 के अंतर्गत द्वितीय चरण का परीक्षण अनिश्चित काल तक स्थगित करने के यहाँ पर संबंध में ये नोटिस जारी किया गया है। कृपया अवगत कराना है कि इस मुख्यालय के समांग पत्र यानी कि 2/3/2021 एवं 5/3/2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आरक्षी नागरिक पुलिस एवं आरक्षी PAG के पदों पर सीधी भर्ती अक्टूबर 2018 के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थियों की द्वितीय चरण परीक्षण का कार्यक्रम निम्नवत था। यानी कि पहले जो एक नोटिस आया था उसके अंदर जितनी भी जो प्रक्रिया थी, यानी जिस प्रकार से जैसे कि आपका चरित्र वेरिफिकेशन हो गया, और उसके बाद दोस्तों LIU वगैरह होगा, सब कुछ दोस्तों उस नोटिस में कंप्लीट कराने के लिए बोला गया था। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपकी जो JTP लिफ्ट थी वो प्रस्तावित थी 10/4 तक, यानी कि जो आपकी JTP लिस्ट है वो 10/4 के अंदर यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद क्या था, 22 अप्रैल से आपकी जो JTC है वो आमद यहाँ पर स्टार्ट कर दी जाएगी, ऐसा दोस्तों उस नोटिस के अंदर सब कुछ बताया गया था। सारा का सारा कार्यक्रम दोस्तों उसके अंदर लिखा हुआ था। अब आगे यहाँ पर देख सकते हैं क्या है, 8/3/2021 से लेकर के 31/3/2021 तक चिकित्सा परीक्षण की कार्रवाई, 8/4/2021 तक यानी के चरित्र सत्यापन की कार्रवाई यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, 10/4/2021 तक सभी उपयुक्त अनुपयुक्त अनुपस्थित अभ्यर्थियों का विवरण तैयार करना, दिनांक 22/4/2021 से उपयुक्त अभ्यर्थियों का JTC प्रारंभ। तो दोस्तों यही चीज़ आपको नोटिस में जो है वो देखने को मिल रही थी पिछले वाले फेम नोटिस के अंदर, यही चीज़ थी दोस्तों। आप नोटिस को मैं दिखा भी देता हूँ, उस नोटिस से आप मिलान भी कर लीजिए। 8/4 को बोला गया था कि आपका चरित्र सत्यापन वेरिफिकेशन कंप्लीट जो है वो कर लिया जाएगा, 10/10 तक आपकी जो है वो JTC लिस्ट आपको यानी कि भेज दी जाएगी, और उसके बाद दोस्तों यहां पर आप देख पा रहे होंगे। लेकिन बीते कुछ दिनों से अंतर्राष्ट्रीय महामारी COVID-19 के लगातार फैल रहे संक्रमण को मद्देनजर रखते हुए ऐसी स्थिति में अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण कराना उचित नहीं होगा, निदेशानुरोध है कि उक्त दिनांक से प्रारंभ हो रहे परीक्षण को स्थगित करें। तो दोस्तों यह है नोटिस जो इस टाइम ज़्यादा वायरल है, और अभ्यर्थी ये भी कह रहे हैं कि ये नोटिस फेक है। कुछ अभ्यर्थी ये भी सोच रहे हैं कि आप इसको फेक कैसे कह सकते हैं, ये नोटिस है वो कुछ हद तक दोस्तों हमको रियल लग रहा है।
तो मैं आपको क्लियर करके यहाँ पर स्पष्ट रूप से बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ये भी सोचेंगे अगर हमने इस नोटिस को फेक कह दिया, चलो ठीक है ये फेक है, वो ये समझेंगे कि 22 तारीख से हमारी JTC है वो शुरू हो जाए, अच्छा है। कुछ अभ्यर्थी ये सोचेंगे हाँ शायद हो सकता है इस टाइम, दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों आप देख पा रहे हो इस टाइम दोस्तों COVID-19 काफ़ी हद तक दोस्तों काफ़ी ज़्यादा दोस्तों यहाँ पर बढ़ चुका है FA में। दोस्तों हमारे जो UP के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हुए कोरोना पॉजिटिव, ट्वीट कर दी जानकारी। दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, अपने आप को सुरक्षित रखिए, COVID-19 काफ़ी हद तक दोस्तों बढ़ चुका है। उसके बाद दोस्तों अखिलेश यादव जी ने भी यहाँ पर ट्वीट करके बताया था कि अपने आप को सुरक्षित रखें, मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें। तो दोस्तों FA में अब आपको क्या लगता है, क्या JTC आगे बढ़ सकती है या नहीं बढ़ेगी, इस पर दोस्तों आप कमेंट करके ज़रूर बताएँ। और उस नोटिस के बारे में मैं आपको क्लियर करके बता देता हूँ, और दोस्तों उससे पिछला वाला भी नोटिस आप दोस्तों ये जो नोटिस की 4 पॉइंट हैं या ये जो आपको पॉइंट दिख रहे होंगे ये पिछले वाले नोटिस में भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों यही चीज़ आप उस नोटिस में आप देख पा रहे होंगे, और यही चीज़ दोस्तों आपको इस नोटिस के अंदर है वो देखने को मिल रही है। 4 पॉइंट दोस्तों मैंने आपको वहाँ पर बताए थे, 4 पॉइंट दोस्तों यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इसके अंदर दिए गए हैं। 8/3/2021 से 31/3/2021 तक की जो चिकित्सा परीक्षण की कार्रवाई पूर्ण की ली जाए, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 8/4/2021 तक चरित्र सत्यापन की कार्रवाई है पूर्ण करा लिया जाए। उसके बाद दोस्तों 10/4 की यहाँ पर बात की गई थी, जो आपकी JTC लिस्ट है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया था, और 22/4 से जो उपयुक्त अभ्यर्थियों की JTC है वो प्रारंभ की जाएगी। उसके बाद दोस्तों ये जो नोटिस है ये काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ है, इसके बारे में मैं आपको क्लियर कर। तो दोस्तों आपने वो भी नोटिस को यहाँ पर देख लिया होगा और ये भी नोटिस आपने देख लिया होगा। FA में क्लियर करके बता दूँ, अभी दोस्तों अभ्यर्थियों के मन में ये सवाल होंगे कि आप फर्जी यहाँ पर बोलते हैं कि JTC 22 अप्रैल से होगी, फिर कहते हैं JTC नहीं होगी। तो आपने नोटिस को देख लिया होगा, मैंने आपको दोनों ही नोटिस दिखा दिए, और दोस्तों आप देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं कि अभी COVID-19 का संक्रमण दोस्तों ज़्यादा चल रहा है, तो इस वजह से आपकी JTC लगभग यहाँ पर कुछ दिनों के लिए बढ़ सकती है। तो दोस्तों मेरा यही कहना है, ये नोटिस जितने भी आ रहे हैं आप बिल्कुल भी गौर मत दीजिए नोटिसों पर दोस्तों, ये नोटिस दोस्तों फेक भी लग रहा है, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर कुछ एडिटिंग भी मुझे लग रही है, और ये आपको पूरी तरह से दोस्तों फेक भी नज़र आ रहा होगा। तो आप क्लियर तरह से, और साथ में दोस्तों इसके बाद हम इस नोटिस को अगर रियल बता दें फिर अभ्यर्थी कहेंगे भाई दोस्तों ये नोटिस रियल, तो हाँ क्लियर बात है भाई, ये जो JTC है आपकी कुछ दिनों के लिए आगे बढ़ सकती है। तो जब भी कोई भी आगे की इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से बता दूंगा, जल्दी से जाओ टेलीग्राम को चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और अपना जो ओपिनियन है वो कमेंट करके बता सकते हैं, मैंने दोनों नोटिस आपको दिखा दिए हैं, और नोटिस के अंदर जो ये नोटिस है दोस्तों कुछ हद तक हमें एडिटिंग भी लग रहा है, और कुछ हद तक दोस्तों ये थोड़ा थोड़ा हमको सही भी लग रहा है, क्योंकि अभी COVID-19 का संक्रमण ज़्यादा है, तो इस वजह से JTC पर दोस्तों आपको फर्क नज़र आएगा, और JTC शायद आपकी आगे भी बढ़ सकती है। और उससे पहले दोस्तों 14,000 कैंडिडेट हैं, उनकी POP डेट भी यहाँ पर दोस्तों क्लियर हो चुकी है, तो किसी को भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, जैसे कि आगे की फर्दर अपडेट आएगी मैं आपको चैनल के माध्यम से बता दूंगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।